Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am Hari Kumar and today I have come here to take a topic which is a verb, okay? And as we know that it is a very interesting topic on which we are just talking verb, right? तो सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे कि verb होता क्या है. तो guys, verb means होता है क्रिया, okay? तो first हम discuss करेंगे कि हम हिंदी में जानेंगे कैसे कि verb क्या है, got it? तो देखिए कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ना अमेकर ना से अंत होता हो तो हम जाने का प्रयास करेंगे कि वह वर्ब होगा. ओके, जस्ट लाइक जाना. ओके, तो जाना, जाते हैं ना, तो जाना हम काम कर रहे हैं. ओके, सुनना, कान से सुनने का काम करते हैं. नोज, नोज से श्वसन क्रिया करते हैं. सूंघना, ओके, मुंह से बोलना, बोलना. हाथ से लिखना, गॉट इट. तो हमने पांच शब्द बोला, आई हैव स्पोकन फाइव वर्ड्स एंड वी हैव रियलाइज्ड. ओके, हमने महसूस भी किया कि पांच शब्द के अंत में ना अमेकर ना से अंत होता है. तो अगर कोई भी शब्द हो, अगर वह शब्द ना अमेकर ना से अंत होता है तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वह वर्ब होगा, वह क्रिया होगा. बट दैट विल बी मेन वर्ब, नॉट विल बी योर हेल्पिंग वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर. अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश में ऐसे कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन इन इंग्लिश. ओके, तो सी, अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स अबाउट एन एक्शन, relation or a state of being. Okay students, take care. A verb is a word which explains about an action, relation or a state of being is called verb. Verb क्या होता है कि verb एक ऐसा word होता है जो किसी भी क्रिया को, जो किसी भी काम को, जो किसी भी कार्य को एक्सप्लेन करता है, जो रिलेशंस को शो करता है, जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है. तो सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. ओके, वर्ब दो प्रकार का होता है. वन, मैन वर्ब. ओके, मैन वर्ब का एक दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब. Principal verb and the next one, that is a auxiliary verb. Okay, इसका भी एक और नाम होता है helping verb. Got it? तो हमने ये देखा. अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो verb का दो types होता है, main verb, auxiliary verb. Main verb is the other name of principal verb and auxiliary verb also has another verb, that is the name helping verb. Okay, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो verb होता है वो verb का कितना stage होता है. तो as we all know that there are five forms of verb. Verb का जो five forms होता है वह कौन कौन होता है, हम वो जानने का प्रयास करते हैं. Forms of verb. Okay, you see, this is V1, V2, V3, V4 and this is a V5. Right students? तो V1, V2, V3, V4, V5. V1 क्या होता है? Generally V1 होता है plural में. एक बात आपको ध्यान में रखना है कि one thing you have to take care always that whatever the V1 will come to you, you will understand that will be the plural. Okay, not that will be singular. वह singular कभी भी नहीं होता है. लेकिन हम उनको singular बनाते हैं. वो कैसे भी होता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा. V1 हमेशा प्लुरल में होता है और जो V5 होता है जिसमें हम S और AS लगा करके हम बनाते हैं उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जाता है. इट इज कैप्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द सिंगुलर एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्लुरल. ओके, नाउ वी सी V4, राइट? तो V4 में हम क्या करते हैं, ing का इस्तेमाल करते हैं. ing जब इसको जोड़ देते हैं तो हम उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब. ओके, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. जस्ट लाइक हमने क्लिक किया गो,
V2 went, V3 gone, V4 going, okay, and V5 goes, right? Go, went, gone, going, goes. हमने देखा कि there are 5 forms of verb V1, V2, V3, V4, V5. I told you guys that V1 will be in the form of plural and V5 will be in the form of singular. When we add, when we use to make singular number, then we just have to apply S or ES with the verb, right? Okay, so go, went, gone, going, goes, right? So see, one more thing we have to take here. Just like suppose this is a verb, right? And verb has also two ways we can say. One is regular, right? And second is irregular. Irregular. Ek hota regular verb, ek hota irregular verb. Ye aapka forms of verb ka hi ek hum type mein kar diye regular verb, ek kar diye irregular verb. रेगुलर क्या होता है जो प्रत्येक दिन चलता है. जस्ट लाइक हम इसको इस रूप से कह सकते हैं, कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है. बट इरेगुलर वर्ब क्या होती है, इस प्रकार से फ्लक्चुएट करेगी, राइट, विदाउट फ्लक्चुएट. ओके, एंड दिस इज अ फ्लक्चुएट. तो इसमें फ्लक्चुएट करेगा तो वो इरेगुलर वर्ब होगा. जिसमें कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं होगा तो उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे. यानी कि जब सेम सिलेबल से चलेंगे, जस्ट लाइक कट कट कट, राइट, कट कट कट, राइट, ओके. बट अगर मैं बोलता हूं गो वेंट गॉन, मैंने बोला गो वेंट गॉन, राइट, तो हमने क्या देखा कि गो फिर वेंट फिर गॉन, तो हम यहां पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं. बट कट कट कट, ओके, कट कट कट, यहां पे हमने किसी भी प्रकार का देखा नहीं कि उसमें फ्लक्चुएटिंग हो रही है. इसमें विदाउट फ्लक्चुएटिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब. जस्ट लाइक कट कट and cut, right? But here go, went, gone, ये क्या है without fluctuate, और ये क्या है, ये आपका है fluctuate. Okay, तो जब fluctuate होगी तो आपका irregular verb होगा, और जब fluctuate नहीं होगी तो वो होगा regular verb. Okay, just like हम लोग जब बोलते हैं, जब हमारी ध्वनि जाती है, okay, तो fluctuate करके जाती है, without fluctuating में जाती है, वो हमें टेक केयर करना है, गॉट इट. तो हमने देखा कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब का जो होता है वो एक रेगुलर वर्ब में होता है, एक इरेगुलर में होता है. तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिसमें V2 V3 चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम बताएंगे इरेगुलर वर्ब में. जिसमें एक लेवल में चलेगी, एक सिलेबल में जाएगी, उसको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब, राइट. अब हम देखेंगे कि जो मेन वर्ब होता है वो कितने टाइप्स का होता है, मेन वर्ब होता क्या है और मेन वर्ब कितने टाइप्स का होता है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे. इसके लिए हमें इन सारे चीजों को डिलीट करना होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, वन इज प्रिंसिपल वर्ब एंड सेकेंड इज एक्जुलरी वर्ब. तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है. ओके, एक्चुअली हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वॉट इज वर्ब, how many types of verb are there, okay, and how many stages of verb. As we have studied, there are 5 forms of verb, v1 v2 v3 v4 and v5. to hum yahan pe dekhenge ki principal verb hota kya hai. Principal verb ko hi main verb kehte hain. Main verb ka matlab jisme action hota hai. Maine bataya tha action, relation and state of being. Okay, main iske bare mein bhi charcha karunga. Principal verb, a verb having meaning of its own is called principal verb. Okay, आप इसे main verb भी कह सकते हैं. A verb having meaning of its own is called principal verb. एक ऐसा verb जिसका खुद का meaning हो, एक ऐसा verb जिसका खुद का meaning हो, उसी को principal verb कहते हैं, जिसको main verb भी कहते हैं. He reads newspaper daily. वह प्रत्येक दिन समाचार पत्र पढ़ता है. तो as we can see in the sentence, just like reads, okay, this is a verb. And which verb is this? This is the auxiliary verb. ये नहीं है, okay? इसको हम बोलेंगे principal verb, या फिर बोल सकते हैं इसको main verb बोल सकते हैं. We can say it is a main verb, okay? Now see, they walk day and night. They walk day and night. वे लोग दिन और रात भर मेहनत करते हैं या काम करते हैं. तो जो work है वो एक आपका main verb के रूप में आया है. Now we can see
काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो प्रिंसिपल वर्ब दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मैं वो भी देख लेता हूं। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, अ वर्ब यूज्ड, अ वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ओके, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू नो दैट इट इज ट्रांजिटिव वर्ब और नॉट, देन वी मे आस्क अ क्वेश्चन विथ व्हाट। इफ वी आस्क द क्वेश्चन विथ व्हाट एंड विल गेट द आंसर, देन वी मे से दैट इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब साफ साफ शब्दों में जानेंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ओके, तो आप लिख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आप इसे व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सी दे रीड अ बुक, वे लोग एक किताब पढ़ते हैं। तो रीड जो है यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब जो है इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, दे रीड अ बुक, वे लोग किताब पढ़ते हैं। तो पढ़ना जो है यहाँ पे एक्शन हो रही है, तो ये जो है इसका सकर्मक क्रिया यानी कि प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट डालता है। तो रीड के बाद देखिए कि एक जो यहाँ पे है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है तो रीड को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ ही कैन कॉल यू, He can call you, वह तुम्हें फोन कर सकता है। He can call you, तो can देखिए ये भी एक प्रकार का verb है, ठीक है, ये एक प्रकार का verb है जो इसे हम कहेंगे helping verb। और यहाँ पे देखें call जो है एक आपका main verb है जिसको हम principal verb बोलते हैं, ठीक है, principal verb का ही type है जिसको हम पढ़ रहे हैं transitive verb। call जो है, call के बाद देखिए एक object लगा है जो you लगा है, तो call को हम बोलेंगे transitive verb, you आपका object है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट को बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, वी हैव टू फेस स्टार्वेशन। ओके, हम लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू फेस स्टार्वेशन। ओके, तो फेस देखिए यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नाउ वी मे टेक अनदर verb that is a intransitive verb, intransitive verb, ये intransitive verb क्या होता है, a verb used without an object is called intransitive verb। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, कि एक ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो सेंटेंस में, एक ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में यूज हुआ हो, इट मींस वी कैन से दैट देयर इज नो एनी वर्ब आफ्टर द वर्ब, सॉरी देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता हो तो हम उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हैं, या फिर आप उसे व्हाट से क्वेश्चन करें। व्हाट से क्वेश्चन लाजमी है कि अगर आपको आंसर मिलता है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सिंपल वे में कहेंगे, अ वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सी आई रीड, ओके आई रीड, हम पूछते हैं व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूं, तो मे वी गेट आंसर, नो वी मे नॉट गेट आंसर, हम इसे आंसर नहीं पा सकते। इस पे हम क्या पढ़ते हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। रीड है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी को बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए अगला एग्जांपल, दे डिड, वे लोग किए,
वे लोग करते थे, वे लोग किए या वे लोग करते, डीड के बाद देखिए किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ओके, नाउ वी हैव सीन प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, हमने उसका टाइप्स देखा, ट्रांजिटिव वर्ब देखा और इंट्रांजिटिव वर्ब देखा। हम इसमें क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए वर्ड से क्वेश्चंस करेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब करेंगे तो हम वर्ड से क्वेश्चन करेंगे आंसर मिलता है तो इंट्रांजिटिव, नहीं मिलता है तो वो आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव, नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नाउ